हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं दो डिफरेंट लुक्स करूँगी मैं। पहली मेकअप लुक है गुची वाली, वो मैंने पहले डाली हुई है, पिछले वीडियो में है उसकी। उसी के पीछे मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, लेकिन लुक वही है। लास्ट वीडियो तो वलीमा लुक है ना, उससे पिछली वीडियो। मैं उसका लिंक भी यहाँ पर अटैच कर दूँगी ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। फाउंडेशन इज डन। हल्की सी बिल्कुल फाउंडेशन अप्लाई की है मैंने। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। दिस इज द फाउंडेशन आई अप्लाइड। ये अमरीच की फाउंडेशन है, बहुत लाइट कवरेज है इसकी और आप एवरीडे पे भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, लेकिन ये फुल कवरेज नहीं है, इसकी कवरेज बहुत लाइट है। अच्छा, इसके अलावा जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये मैंने अलमास से ली थी, बड़ी अच्छी प्राइस में, 1700 में मुझे मिल गई थी, बहुत अच्छी शर्ट। सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दिस। इसका भी कंसीलर खत्म हो गया है बिल्कुल ही। O2O का ये वाला कंसीलर है। O2O में ज़्यादातर काफ़ी वाइट कलर के फेयर कंसीलर्स आते हैं, लेकिन इसका जो शेड नंबर है HC04, ये बहुत अच्छा है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से सही जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने नेल्स अप्लाई किए हुए हैं, ये नेल्स ही इसके हैं, जस्ट लुक एट देम, सो 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 प्रिटी। इतनी खूबसूरत नेल और इतनी अच्छी लेंथ में है कि आपके कहीं भी यू नो इधर उधर नहीं होती और आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता ये वाले नेल्स अप्लाई करके। अच्छा, जो मैंने लुई विटॉन की लुक क्रिएट करूँगी वो मैंने पहले भी क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसका मैंने ट्यूटोरियल नहीं फिल्म किया था। और वर्सेची की भी मैंने पहले क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसका मैंने ट्यूटोरियल फिल्म नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं फिल्म करके रहूँगी। अच्छा, दोनों लुक्स ऑलमोस्ट सेम होगी, एक मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी, दूसरे में मैं मैट लग किस ब्लश में अप्लाई कर रही हूँ, शी ग्लैम का क्रीम ब्लश इन शेड डिवोटेड। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं साथ में बना रही हूँ ट्रांजिशन वीडियो, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स मैं लगा के वापस आ रही हूँ। मैंने अप्लाई कर लिया था इंस्टा की ट्रांजिशन वीडियो में, और बाकी का मैं इधर अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये वाली वीडियो मैं 2 हफ्ते से बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बिल्कुल कभी कहाँ चले जाते, कभी कहाँ टाइम नहीं लगता। लेकिन आज मैंने फाइनली सोचा है कि दोनों लुक्स में एक ही साथ फिल्म करके ये वीडियो कंप्लीट करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर में ये फिट मी का यूज़ कर रही हूँ, शेड 128। इसको क्या ब्लेंड नहीं किया मैंने? अच्छा, इससे पहले मैंने कोशिश की थी कि एक दिन कि मैं ये फिल्म कर लूं दोनों लुक्स एक साथ, उस दिन फिर वानिया उठ गई, आधे घंटे बाद, घंटे बाद वानिया उठ गई सो के, और उसने क्या किया कि फिर वापस ही ना सोए, और मैंने लेंसेस लगाए हुए थे और नेल्स लगाए हुए थे, कपड़े चेंज किए थे, थोड़ी सी बेस अप्लाई कर ली थी, मतलब कि हल्का फुल्का मेकअप डन हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रहता था करना। मुझे इतना डिप्रेशन हुआ है कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकी है मेकअप लुक, बट फाइनली वी आर हेयर और आज हम करके रहेंगे। सो नेक्स्ट इज द आईब्रोज, जिसके लिए मैं एवलाइन की पोमेड यूज़ कर रही हूँ इन शेड डार्क ब्राउन। दिस इज द लुक जो कि मैंने बहुत 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 साल पहले क्रिएट की थी। I will recreate it
somehow कर लेंगे इंशाल्लाह. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं लाइनर से बना लेती हूँ कि कितना मुझे एक्सटेंड करना है. नहीं जाएंगे हम. ओह नो गॉड, समझे क्या करना है कि अब मुझे स्मोकी आइस करनी है. इसके लिए मैं ये पैलेट चूज कर रही हूँ डब्ल्यूटी का. मैं ये ब्लैक शेड है, इसको लेकर मैं स्मोक आउट करूँगी पूरे आईलाइनर को. इसको हम बाद में कंसीलर से कवर कर लेंगे. डोंट यू वरी. अभी जीना कॉस्मेटिक में ब्लैक आई पेंसिल से अपनी क्रीज पर जो मैंने आईलाइनर अप्लाई करना था मैं वो अप्लाई करूँगी पूरी जगह पर, और उसके बाद मैं इसको स्मोकी लुक दूँगी. इसके बाद हम इसको स्मोकी लुक देंगे और बाकी का भी यू नो स्मोकी लुक पे आ जाएगा. सेम इसी पैलेट से मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, ब्लैक शेड लेकर इसको. ब्लेंडिंग इज द की. जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी है आई लुक निकल कर आएगी. लोअर लैश लाइन पर भी पहले मैंने ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया है, फिर ब्लैक से मैंने स्मोकी लुक दी है. आई शेडोज आर ऑलमोस्ट डन और अब हम मस्कारा लैशेज के साथ इस लुक को कंप्लीट करेंगे. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फॉल्सीज मस्कारा. एसटी का काजल मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर, और अपर वाटर लाइन को आपने बिल्कुल नहीं भूलना वरना जब आप लैशेस लगाते हैं तो वो आपकी अपर वाटर लाइन दूर से नज़र आ रही होती है. अच्छा, मैं आज आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी और उससे पूछा था कि यहाँ पर मेरे ब्लैक स्पॉट बन रहा है, ब्राउन स्पॉट, तो ये क्यों बन रहा है और इसका कुछ इलाज बताएं. तो उनका ऐसा कोई इलाज नहीं है, आप मेकअप बहुत ज़्यादा अपनी आँखों में डालते हैं इस वजह से ये बन रहा है. क्या कर सकते हैं, आज ही मैं आई हूँ, कुछ घंटों बाद में दोबारा से अपनी आंखों. Anyhow, it's time to put on some lashes. Let's go. So the lashes are done. मैंने इनको पीछे से कट नहीं किया. नॉर्मली मैं सारी लैशेज में पीछे से कट कर देती हूँ ताकि मेरी लेंथ की हो जाए, लेकिन मेरा ये आई शेडो जो मेकअप है बहुत आगे को है तो मैंने कट नहीं की. और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ लगाई है, नीचे की तरफ नहीं, तो ये मेरी आईज को थोड़ा बड़ा लुक दे रही हैं. एस्टी लंदन का सॉफ्ट ग्लो. लिप्स कॉम्बो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एसिलन का लिप लाइनर इन शेड सिनेमन, एंड ये एसिलन का लिप ग्लॉस है स्कैंडल मेकअप. लेट्स बिगिन. So that's it. This is the final look.
I hope you guys liked it, and if you liked it, give it a big thumbs up. And also let me know in the comment section कि next मैं कौन सी look create करूँ. अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर glitter लगा कर next look भी create कर लूँगी और उसका clip भी मैं last में end में add कर दूँगी. So yeah, video काफ़ी लंबी हो रही है, so हम यहीं पर ख़त्म करते हैं.